हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम सी एस आई आर लाइफ साइंस की इम्पॉर्टेंट यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसका जो टॉपिक है ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन उसके बारे में देखेंगे ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है इससे सी एस आई आर के बी और सी दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी भी है और स्कोरिंग भी है तो इसको हम समझते हैं ड्रोसोफिला आगे चल के फीमेल फ्लाई बनाएगी या मेल फ्लाई बनाएगी ये किसके द्वारा तय होता है इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन किसी भी ऑर्गेनिजम का मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का तय होना ही उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है ये जो डिटर्मिनेशन यानी कि ये जो तय हो, हो रहा है कि वो मादा बनेगा या नर ये हारमोन्स के द्वारा या इन्वॉमेंट या जेनेटिक लेवल पर भी तय हो सकता है जेनेटिक लेवल में खास तौर से जो मोलिकुलर मैकेनिज्म होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ऑर्गेनिज्म मेल बनेगी या फीमेल बनेगा तो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पता लगाता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होगा ये एक बेसिक सी डिफिनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन के तो यहां पर हम ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में समझते हैं कि उसमें किस तरीके से तय हो रहा है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करने के लिए एक मकैनिज़्म प्रोवाइड की गई जिसे जेनिक बैलेंस मकैनिज़्म कहते हैं इस मकैनिज़्म को कैलविन ब्रिज ने 1926 के अंदर दिया था यहाँ पर इस मकैनिज्म के अंदर कहा जा रहा है ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोजोम पर जो फीमेल डिटर्मिनेंट्स यानी कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक पैदा करने वाले जीन और ऑटोजोम के ऊपर मेल डिटर्मिनेट्स प्रेजेंट हैं तो इन एक्स क्रोमोजोम और के बीच का जो बैलेंस है वही तय करता है कि ड्रोसोफिला का आगे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा तो ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का जो हैप्लॉइड सेट्स होता है उनका रेशियो जो आता है वो डिटरमाइन करता है ड्रोसोफिला के सेक्स को इसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोज़ोम जो है वो फीमेल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वहीं पर जो ऑटोजोम्स होते हैं वो मेल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वहीं पर ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं वो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल में ये स्पम्प फॉर्मेशन के अंदर तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बट इनका सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है तो इस जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म का एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का जो रेशियो आएगा वो तय करेगा कि फ्लाई जो फीमेल होगी या फिर मेल होगी ड्रोसोफिला में डिप्लॉयड सेल में अगर एक एक्स क्रोमोजोम है तो फ्लाई मेल होगी वहीं पर अगर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं तो फ्लाई फीमेल होगी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम के क्या रेशियो आते हैं जिससे जो ड्रोसोफिला है उसका सेक्सुअल फिनोटाइप शो होता है अगर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम का रेशियो 1.0 आ रहा है एक आ रहा है तो ड्रोसोफिला फीमेल होगी वहीं पर अगर ये रेशियो 0.5 आता है तो ड्रोसोफिला मेल कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी वहीं पर अगर ये क्रोमोज़ोम और ऑटोजोम का रेशियो 0.5 से कम और 1.0 से कम आता है तो ड्रोसोफिला जो है वो इंटरसेक्स होंगे यानी कि अगर ड्रोसोफिला के जाए अगर ड्रोसोफिला में दो क्रोमोज़ोम प्रेजेंट है उसके बाद दो हैप्लॉयड सेट्स ऑफ ऑटोजोम प्रेजेंट हैं तो रेशियो 1.0 आएगा और जो फिनोटाइप शो होगा वो फीमेल प्रकार का होगा वहीं पर एक एक्स और वाई क्रोमोजोम है और दो ऑटोजोम प्रेजेंट है तो जो रेशियो है वो पॉइंट फाइव आएगा और फिनोटाइप मेल का शो होगा वहीं पर अगर एक एक्स क्रोमोजोम बस प्रेजेंट है और दो ऑटोजोम प्रेजेंट है तो अगेन रेशियो पॉइंट फाइव आएगा तो ड्रोसोफिला जो है वो मेल फिनोटाइप शो करेगी तीन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और दो ऑटोजोम प्रेजेंट है तो रेशियो 1.5 हो जाता है और उस ड्रोसोफिला को हम मेटा फीमेल कहते हैं यहां पर मेटा फीमेल का मतलब हो गया स्टेराइल फीमेल वहीं पर अगर ड्रोसोफिला के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है और तीन ऑटोजोम के सेट्स प्रेजेंट हैं तो जो रेशियो है वो पॉइंट थ्री थ्री है यानी कि पॉइंट फाइव से कम है बताया गया है कि अगर ड्रोसोफिला के अंदर रेशियो पॉइंट फाइव आता है तो वो मेल फिनोटाइप शो करते हैं बट ये रेशियो पॉइंट फाइव से कम है तो जो ड्रोसोफिला है वो मेटा मेल यानी कि स्टराइल मेल का कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी गर... अब अगर ड्रोसोफिला की बात हो रही है तो एक टर्म आता है जिसको हम गैनेड्रोमोफ कहते हैं ये टर्म ड्रोसोफिला से रिलेटेड है गैनेंड्रो मॉर्फ इस शब्द का मतलब ये है कि किसी भी एनिमल का कुछ पार्ट एक मेल की रीजन की तरह बिहेव करे वहीं पर दूसरा पार्ट जो है वो फीमेल रीजन की तरह बिहेव करे यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आधा हिस्सा मेल कैरेक्टरिस्टिक शो करे वहीं पर आधा हिस्सा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक शो करे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम गैनड्रो मॉफ कहते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ड्रोसोफिला है इसके अलावा कुछ खास तरह के इंसेक्ट्स में भी ये देखा जा सकता है अब चूंकि ड्रोसोफिला के अंदर कंडीशन है कि अगर दो एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल होगी वहीं पर अगर एक एक्स क्रोमोजोम है तो वो मेल होगा तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब एम्ब्रियो ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पर उसकी कुछ सेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो डिप्लीट हो जाता है ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो है जिसके अंदर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है अब ये डिवाइड होगी डिवाइड होकर के ये दो सेल बनाएगी इस सेल के अंदर तो दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है ठीक है बट इस वाली सेल के अंदर किसी वजह से एक एक्स क्रोमोज़ोम का लॉस हो जाए तो ये, तो ये सेल आगे डिवाइड हो करके जो भी सेल्स बनाएंगी उन सब के अंदर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा और उस तरीके से वो फीमेल ऑर्गन बनाती जाएंगी और फीमेल फिनोटाइप शो होता जाएगा जिस पोर्शन का डेवलपमेंट इन सेल्स के द्वारा होगा वहाँ पर एक एक्स क्रोमोज़ोम का लॉस हो चुका होगा तो अब ये वाली जो सेल्स हैं वो मेल फिनोटाइप शो करने लगेंगे तो एम्ब्रियो से एक एम्ब्रियो से एक पूरा एडल्ट का निर्माण हो रहा है तो इस तरीके से जो हा पोर्शन है वो तो कंप्लीट फीमेल फिनोटाइप शो कर रहा है वहीं पर जो हाफ पोर्शन है वो मेल फिनोटाइप शो करने लगता है ये चीज एक ही एनिमल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है बट कुछ पार्ट्स में हो रही है तो उस एनिमल को हम गैनड्रो कहने लगते हैं अगर इस तरह की कंडीशन कि किसी एम्ब्रियो में एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है किसी वजह से तो अदर ऑर्गेनिज्म में होता तो ये चीज़ कंपनसेट हो सकती है शायद हारमोन्स के द्वारा इन्वामेंट्स के द्वारा बट इंसेक्ट के अंदर जो इसकी प्रत्येक सेल्स होती हैं वो अपना सेक्सुअल डिसीजन खुद लेती हैं क्योंकि वहाँ पर सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होते जो इस तरीके के इवेंट्स को मॉड्यूलेट कर सके यानी कि अगर उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको वो ठीक कर सके तो जो गैनेड्रोमोफ की कंडीशन है वो इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ही कॉमन है और इस कंडीशन में एक एक्स क्रोमोजोम वाली सेल्स जो हैं वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी वहीं पर दो एक्स क्रोमोजोम वाली सेल्स जो हैं वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगी गैनेड्रोमोफ तीन तरीके का होता है एक तो बायोलेट्रल गैनेड्रोमोफ इंटीरियर टू पोस्टीरियर कंडीशन देखी जाती है इस इमेज से, आप, आप चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये जो इसका इस इंसेक्ट्स का ये पार्ट डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो वाइल्ड टाइप यानी कि ये देखो रेड कलर का जो उसकी आइज का कलर है रेड है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो वाइल्ड टाइप में आइज का कलर है वो रेड बताया गया है तो ये आ, वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसका आइज का कलर क्या है रेड है वहीं पर इस लेफ्ट वाले पोर्शन में जो कि मेल फिनो टाइप को शो कर रहा है वहाँ पर आई का कलर क्या है इओसिन है और जो विंग है यानी कि पंख है वो भी मिनिएचर टाइप का है थोड़ा सा छोटा है जबकि यहाँ पर जो विंग है वो बड़ा है क्योंकि वाइल्ड टाइप का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो आँखों का कलर है वो लाल हो और पंख जो है वो उसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ये एक ही ड्रोसोफिला है बट इसका आधा भाग जो है वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है और आधा भाग जो है वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो इस ड्रोसोफिला को हम यहाँ पर गैनन्ड्रो कहते हैं ड्रोसोफिला में जो सेक्स का डिटरमिनेशन है वो सब कुछ मॉलिकुलर uh, मैकेनिज्म पर आधारित है यहाँ पर हार्मोन्स का कोई भी रोल नहीं है तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है वो समझना पड़ेगा कि पहले इनके अंदर एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो इस्टेब्लिश होता है फिर उस रेशियो को जो है वो चेंज होता है मॉलिकुलर सिग्नल के अंदर फिर मॉलिकुलर uh, सिग्नल के बाद डिफरेंशियल एक्टिवेशन होता है खास तौर का एक जीन है जिसको एसएक्सएल जीन कहते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इससे कई बार क्वेश्चन भी आता है चार्ट वगैरह से भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आप देख सकते हैं फिर जैसे ही एस जीन एक्टिवेट हो जाता है ये रेगुलेट करता है एक दूसरे प्रकार का जीन जिसको हम ट्रांसफॉर्मर या शॉर्ट में ट्रा जीन्स भी कहते हैं ड्रॉ जीन्स जो है वो एक्टिवेट करता है डी एस एक्स जीन को जिसको स्विच जीन और सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है और फाइनली लास्ट में मेल या फिर फीमेल ड्रोसोफिला का प्रोडक्शन होता है तो ये कुछ खास स्टेप हैं जिन स्टेप के द्वारा ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन तय होता है या मोलिकुलर मैकेनिज्म उसकी चलती है तो पहले हम समझते हैं कि एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो किस तरीके से तय होता है एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का जो रेशियो तय होता है वो प्रोटीन्स के द्वारा तय होता है यानी कि एक्स क्रोमोजोम से जो प्रोटीन बन रही है उनके द्वारा और ऑटोजोम से जो प्रोटीन बनेंगी उनके द्वारा एक्स लिंक जीन को यहां पर न्यूमरेटर जीन्स भी कहा जाता है इसका एग्जाम्पल है सिस्टर लेस जिसको शॉर्ट में सिस कहते हैं इसके कई फॉर्म है सिस ए सिस बी सि टी सी इसके अलावा एक दूसरा जीन भी है जिसको हम रंट कह रहे हैं न्यूमरेटर प्रोटीन्स तभी एक्टिव होती हैं जब वो होमोडाइमर के फॉर्म में होती हैं वही उनका एक्टिव फॉर्म होता है वहीं पर जो जीन्स होते हैं, उनको डिनोमिनेटर जीन्स कहते हैं इसका एग्जाम्पल है डेड पैन शॉर्ट में डीपीएन कहते हैं इसके अलावा है एक्स्ट्रा मैक्रोकीट शॉर्ट में इसको हम ई कहते हैं जो डिनोमिनेटर जीन होते हैं डिनोमिनेटर जीन्स मतलब ऑटोजोम्स के जीन वो डिनोमिनेटर प्रोटीन को कोड करते हैं और ये डिनोमिनेटर प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूमरेटर प्रोटीन यानी कि एक्स क्रोमोजोम की प्रोटीन्स के अगेंस्ट काम करते हैं उनको ब्लॉक करते हैं यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्स क्रोमोजोम की प्रोटीन्स हैं वो तभी एक्टिव होगी जब वो होमोडाइमर फॉर्म में होगी, यानी कि दो सीस प्रोटीन इस तरीके से आपस में बाइंड हो तो वो एक्टिव होंगी जबकि ऑटोजोम की ऑटोजोम प्रोटीन्स क्या करती हैं कि इस एक्स क्रोमोसोम की प्रोटीन के साथ हेट्रोडाइमर बना करके इनको इनएक्टिव करने की कोशिश करती हैं अगर एम्ब्रियो के अंदर दो एक्स क्रोमोजोम का प्रेजेंट है इसका मतलब एक्स क्रोमोजोम की जो प्रोटीन्स है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होंगी ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगी उनको क्या कहते हैं हम न्यूमरेटर प्रोटीन तो इस तरीके के एम्ब्रियो के अंदर ऑटोजोम वाली जो प्रोटीन यानी कि डिनोमिनेटर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा हो न्यूमरेटर प्रोटीन यानी कि एक्स क्रोमोजोम की प्रोटीन की वजह से तो डिनोमिनेटर प्रोटीन यानी कि ऑटोजोम की प्रोटीन का कम होना और एक्स क्रोमोजोम की प्रोटीन का ज़्यादा होना जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो फीमेल पाथवे फॉलो करने लगेगा वहीं पर अगर एम्ब्रियो एक्स वाई है यानी कि एक ही एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है यानी कि ऑटोजोम वाली जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बनेंगी, यानी कि डिनोमिनेटर प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा न्यूमरेटर प्रोटीन की तुलना में क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो इसकी वजह से जो रिजल्ट होगा एम्ब्रियो क्या है मेल पाथवे को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा अब हम इस पाथवे की जो पहली इंपॉर्टेंट प्रोटीन है या जीन है जिसको हम एस एक्सेल प्रोटीन कह रहे हैं उसके बारे में समझते हैं अगर दो क्रोमोजोम प्रेजेंट है यानी कि रेशियो क्या आएगा वन आएगा ठीक है यानी कि ये कुछ जीन है क्रोमोजोम के इनके नाम याद कर लीजिएगा क्वेश्चन आया हुआ है सी के अंदर ड्रोसोफिला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप है वो एस एक्सेल प्रोटीन के रोल का है अगर एम्ब्रियो में जो रेशियो है वो वन आ रहा है यानी कि क्रोमोज़ोम और ऑटोजोम का रेशियो वन आ रहा है न्यूमरेटर जीन्स यानी कि क्रोमोजोम्स की जीन जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी बजाय डिनोमिनेटर जीन के अब एस एक्सल प्रोटीन का पहला काम क्या है क्योंकि ये फीमेल स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो कराएगी ठीक है तो इसका सबसे पहला काम क्या होगा कि उन जीन्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी जो मेल फिनोटाइप बनाने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये एम एस एल टू जीन है इसका नाम ही है मेल स्पेसिफिक लीथल टू तो एस प्रोटीन इस जीन का ट्रा, ट्रांसलेशन ब्लॉक करेगी इसके अलावा दूसरा काम ये करेगी कि जो फीमेल स्पेसिफिक जीन है प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एसएक्सल प्रोटीन सबसे पहले ट्रांसफार्मर प्रोटीन को फंक्शनल करती है उनको एक्टिवेट कराती है ये जो ट्रांसफार्मर प्रोटीन्स होती हैं होमोडाइमर बनाएंगी और एक तीसरा जीन है डी एस एक्स उसके प्री एम को क्या करेंगी स्प्लाइसिंग कराएंगी डीएसएक्स के एम की स्प्लाइसिंग के बाद जो है वो डी प्रोटीन बनेगा डी प्रोटीन फीमेल स्पेसिफिक है इस ये प्रोटीन जो है मेल डिफ्रेंशिएसन जीन को ब्लॉक करेंगी इसके अलावा फीमेल डिफ्रेंशिएसन यानी कि ऐसे जीन्स जो फीमेल फिनोटाइप बनाएंगी उनका प्रोडक्शन या उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट कराएंगी तो एस एक्सएल का दो काम है एक तो मेल स्पेसिफिक पाथवे को रोकने का काम करना और दूसरा फीमेल स्पेसिफिक पाथवे को एक्सप्रेस कराने की कोशिश करना अगर एम्ब्रियो का जो रेशियो है वो पॉइंट फाइव आता है यानी कि एम्ब्रियो जो है वो मेल कैरेक्टर uh, शो करेगा अब यहाँ पर न्यूमरेटर प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और डिनोमिनेटर प्रोटीन यानी कि ऑटोजोमल इनकोडेड प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोज़ोम प्रेजेंट है वहाँ पर एस एक्सल जो जीन है ये फीमेल स्पेसिफिक है इसलिए ये यहाँ पर फंक्शनल नहीं होगी अगर एस एक्सल फंक्शनल नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर जीन है वो भी फंक्शनल नहीं होगा तो यहाँ पर जो डी एस एक्स प्रोटीन थी डबल सेक्स वो दूसरे जीन फ्रूटलेस के साथ मिल करके फीमेल स्पेसिफिक डी एस एक्स डबल सेक्स और फ्रूटलेस प्रोटीन का निर्माण करेगी और ये दोनों आपस में आ, बाइंड होकर के मेल डिफरेंशिएशन जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे और उस एम्ब्रियो के अंदर मेल फिनोटाइप शो होगा जो मेल स्पेसिफिक डबल सेक्स और फ्रूटलेस प्रोटीन है ये फीमेल डिफरेंशिएशन जीन को ब्लॉक भी कर देंगी किसमें एक्स वाई एम्ब्रियो के अंदर वहीं पर जो एम एस एल जीन यानी कि मेल लीथल जीन है ये एक्स लिंक्ड जीन है और ये मेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज करेगा यानी कि ऐसे जीन्स जो मेल फिनोटाइप शो करते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा ये एक बेसिक है ना इन्हीं जीन्स के बारे में हम थोड़ा और आगे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि समझ आ सके वैसे भी हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं देखते हैं तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है एक बार इस टॉपिक को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको इसको दोबारा देखने की या समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गिन के तीन चार जीन हैं जो याद रखना है सिंपल सी दो चार कंडीशन हैं आराम से आ जाता है वो तो अब हम डिटेल से समझते हैं कि सेक्स लिथल जीन यानी कि एस एक्सल जीन कैसे एक्टिवेट होता है किस प्रोमोटर के द्वारा होता है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं फायर इंसेक्ट के अंदर एक्स क्रोमोजोम के नंबर के द्वारा ही तय होता है कि फीमेल बनेगा या मेल बनेगा ठीक है यही प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेंट है इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर जो एसएक्सएल जीन है ये एक्स लिंक्ड होते हैं यानी कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं है, जो दूसरे इम्पॉर्टेंट एम आर एन ए की स्प्लाइसिंग कराकर उनको फंक्शनल बनाती हैं तो हैं वो आर एन ए प्रोसेसिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनका इंसेक्ट्स के अंदर एक्स क्रोमोजोम के नंबर वो तय करते हैं कि सेक्स जीन का एक्सप्रेशन कब होगा बेसिकली सेक्स जीन जो है वो आर एन ए स्प्लाइसिंग फैक्टर है जो कि गोनेड का डेवलपमेंट इसके अलावा एक्स क्रोमोजोम से कितने अमाउंट यानी कि कितनी मात्रा में जीन का एक्सप्रेशन होगा उसको तय कर तय करता है इस जीन के दो प्रोमोटर होते हैं एक अर्ली प्रोमोटर दूसरा लेटर प्रोमोटर जो अर्ली प्रोमोटर होता है वो केवल आ, डबल एक्स जहाँ जिन सेल के अंदर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है वहीं पर एक्टिव होते हैं जो लेटर प्रोमोटर होते हैं कि बाद में एक्टिव होते हैं वो एक्स और वाई दोनों प्रकार की सेल्स में मिलेंगे अब इंसेक्ट्स के अंदर दो कंडीशन एक तो फीमेल पाथवे फॉलो होने की कंडीशन है दूसरी मेल पाथवे फॉलो होने की कंडीशन है ठीक है अगर फीमेल पाथवे फॉलो होना है यानी कि जो न्यूमरेटर जीन यानी एक्स लिंक्ड जीन है उनकी मात्रा या उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज़्यादा है तो किसी भी ड्रोसो, आ, किसी भी इंसेक्ट्स के अंदर जब एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो वन हो रहा होता है तो वहाँ पर एक्स क्रोमोजोम वाले जीन्स और ऑटोजोम दोनों ही जीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं क्रोमोज़ोम के जीन हैं सिस ए बी सी इस तरीके के वो तभी एक्टिव होते हैं जब वो इस तरीके से आपस में होमोडाइमर बनाते हैं यहाँ पीछे देख चुके हैं ये जीन जो है वो ऑटोजोम का जीन है ये हेट्रोडाइमर कंडीशन में है यहाँ पर ठीक है तो चूंकि दो क्रोमोज़ोम प्रेजेंट है यानी कि एक्स क्रोमोजोम वाले जीन्स का जो मात्रा है वो ज्यादा है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे अर्ली प्रोमोटर के साथ पहले ही बाइंड हो जाएंगे जैसे ही एक्स क्रोमोजोम के जीन अर्ली प्रोमोटर के साथ बाइंड होंगे वो फीमेल स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन कराना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर जो फीमेल स्पेसिफिक जीन है वो एस एक्सल जीन है तो एक्स क्रोमोजोम के ये जीन सिस ए बी यहाँ पर आकर के बाइंड करते हैं और उसके बाद एसेक्स जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है इसकी स्प्लाइसिंग वगैरह के बाद एक फंक्शनल एस प्रोटीन बन जाती है ये एस प्रोटीन जो है आर एन ए स्प्लाइसिंग फैक्टर की तरह भी काम करती है तो तो पहले ये एस प्रोटीन दूसरे प्रोमोटर यानी कि जिन्हें हम लेट प्रोमोटर कहते हैं वहां पर जाएगी और अपने एक्सप्रेशन को मेंटेन कराने की कोशिश करेगी यानी कि लेड प्रमोटर के साथ यहाँ पर बाइंड हो करके और ज्यादा से ज्यादा जीन का एक्सप्रेशन करा करके एसएक्सएल प्रोटीन का निर्माण कराएगी दूसरा काम इस प्रोटीन का यह होता है कि ये जो एसएक्सएल एमआरएनए है उस एसएक्सएल एमआरएनए से जो मेल एग्जॉन वाला पोर्शन होता है कि वो पोर्शन जिससे मेल फिनोटाइप के लक्षण शायद बन सकते हैं दिख सकते हैं उसको काट करके अलग करवाने का काम करेगी और और ज़्यादा से ज़्यादा एसेक्सल प्रोटीन का निर्माण होगा तो ओवरऑल जहाँ पर एक्स क्रोमोजोम के जीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर पहले अर्ली प्रोमोटर एक्टिवेट होगा उससे एसेक्सल प्रोटीन का निर्माण होगा एसेक्सल प्रोटीन अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ले लेट प्रमोटर के साथ बाइंड करके अपने एक्सप्रेशन को और ज्यादा बढ़ाएगी इसके अलावा एसएक्सएल एमआरएनए से मेल एग्जॉन को कट करके अलग करने करने का काम करेगी जिससे किसी भी तरीके का मेल फिनोटाइप डेवलप ना हो पाए ये काम हो रहा है किसके अंदर फीमेल एम्ब्रियो के अंदर मेल एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर चूंकि ऑटोजोम के वाले जीन्स का नंबर क्या है ज़्यादा है तो ये क्या करते हैं कि आ, एक्स क्रोमोजोम के जो जीन्स होते हैं उनके साथ इस तरीके से हेट्रोडाइमर बनाते हैं हेट्रोडाइमर बनेंगे ये अर्ली प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं होंगे अर्ली प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं होंगे तो किसी भी तरीके के एसएक्सल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और उसके बाद एसएक्सल प्रोटीन नहीं बनेगी और एस प्रोटीन जो स्प्लाइसिंग कर रही थी यानी कि मेल एग्जॉन को काट के अलग करने का वो काम यहाँ पर नहीं होगा यानी कि जो अब एम ने बनेगा उसके अंदर मेल एग्जोन्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर जो पाथवे फॉलो होगा वो कैसा होगा मेल पाथवे कुछ जीन्स का नाम देख लेते हैं कि कौन से जीन हैं जो एस की एक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं एक्सक्रोमोजोम से स्क्यूट, और अनपेयर्ड जीन्स जो हैं वो बनते हैं ये इन जीन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज्यादा होता है जहाँ पर दो एक्स एक्सक्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं और ये अर्ली प्रोमोटर को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से जो एस एक्सएल है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है जो एस एक्सएल का ट्रांसक्रिप्शन है वो केवल और केवल एस डबल एक्स वाले एम्ब्रियो में ही एक्टिवेट होगा वो एक्स वाई एम्ब्रियो में एक्टिवेट नहीं होता है जो एसेक्सल प्रोटीन का काम क्या है एक तो खुद का ट्रांसक्रिप्शन कराना उसके अलावा मेल स्पेसिफिक लीथल जीन का ट्रांसलेशन उसको रोकना इसके अलावा एक तीसरा जीन है जिसको हम ट्रांसफॉर्मर या ट्रावन कहते हैं उसके अंदर स्प्लाइसिंग कराना जैसे ही इस ट्रा जीन का एम की स्प्लाइसिंग होती है ट्रा प्रोटीन बनती है जो कि फंक्शनल होती है और ये प्रोटीन फीमेल स्पेसिफिक डबल सेक्स यानी कि डीएसएक्स जीन को एक्टिवेट करती है और उसके बाद फीमेल फिनोटाइप बनना शुरू हो जाता है ड्रोसोफिला के अंदर जो ट्रांसफार्मर जीन होते हैं वो ये देखते हैं कि डबल सेक्स जीन का जो स्प्लाइसिंग है वो किस तरीके से हो ये जो डीएसएक्स जीन है इसको डबल सेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में एक्टिव होते हैं बट दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर ये अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनाते हैं अब हम देखते हैं कि जो एस जीन है वो किस तरीके से फंक्शनल बनता है ये एस जीन का प्रिय मारने हैं जहाँ पर आपको आठ एग्जॉन देखने को मिलेंगे है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये आठ एग्जॉन प्रेजेंट हैं, जो थर्ड वाला एग्जॉन है इसमें क्या है टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट है ठीक है इस एग्जॉन थर्ड के साथ स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है फीमेल में एसेक्सल प्रोटीन जो शुरुआत में ही बन जाती है वो इस तरीके से स्प्लाइज होती है कि इसके अंदर इस तरीके से स्प्लाइज होती है कि इसके अंदर एग्जॉन थ्री अपसेंट रहे क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन कंटेन करके रखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन टू थर्ड एग्जॉन जो है वो अपसेंट है क्योंकि वहाँ पर जो है स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है उसके बाद डायरेक्ट फोर कोडॉन आ गया है ठीक है अगर यहाँ पर एग्जॉन थर्ड प्रेजेंट होता तो उसके साथ स्टॉप कोडॉन भी आता और फंक्शनल सेक्स लीथल प्रोटीन नहीं बन पाती इसलिए स्प्लाइसिंग जो होती है वो फीमेल स्पेसिफिक होती है जहाँ पर दो एक्स क्रोमोजोम हो और एग्जॉन थ्री अपसेंट होता है वहीं पर जो एक्स वाई एम्ब्रियो होता है उसके अंदर डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग होती है और आठ के आठ एग्जॉन्स जो हैं वो स्प्लाइस्ड होकर के आते हैं यहाँ पर एग्जॉन थर्ड भी थर्ड भी इंक्लूड रहता है स्प्लाइसिंग के अंदर जिसकी वजह से स्टॉप को आ जाता है और कोई फंक्शनल एसेक्सल प्रोटीन नहीं बनती तो ये कितना सही तरीके का अरेंजमेंट है कि अगर दो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो एस जीन में एक्जोन थर्ड नहीं आएगा वहीं पर एक्स वाई जीन यानी सिंगल एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो एस एक्सएल जीन की स्प्लाइसिंग में एक्जोन थर्ड भी प्रेजेंट रहेगा दूसरा जीन है ट्रांसफॉर्मर जीन या ट्रा जीन इसका जो एक्सप्रेशन है वो एस जीन के द्वारा कंट्रोल होता है ये चार कोडॉन इसके लिए चार एक्जोन इंपॉर्टेंट हैं वन टू थ्री एंड फोर इस जो सेकेंड एग्जॉन होता है ट्रांसफॉर्मर जीन का वो यहाँ पर स्टॉप कोडन प्रजेंट होता है तो जब ये फीमेल स्पेसिफिक एम्ब्रियो के अंदर एसएक्सएल इसकी स्प्लाइसिंग करती है तो वहाँ पर सेकेंड एग्जॉन इंक्लूड नहीं होता है जिसकी वजह से फीमेल स्पेसिफिक एमआरएनए का निर्माण होता है और फंक्शनल ट्रा प्रोटीन बनती है ठीक है क्योंकि जो सेकेंड एग्जॉन था वहाँ पर स्टॉप कोडन था और वो स्प्लाइसिंग के बाद इस एम uh, में नहीं आया है वहीं पर जो एक्स वाई एमब्रियो होते हैं वहाँ पर डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग के टाइम पर ये सेकेंड एग्जॉन भी इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टॉप कोडन प्रजेंट है तो ये मेल या फिर नॉन स्पेसिफिक एम हुआ स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होने की वजह से फंक्शनल ट्रा प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है डीएसएक्स जीन डीएसएक्स जीन को जो है स्विच जीन भी कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ठीक है जो डबल सेक्स जीन डीएसएक्स जीन होता है ये एक ऑटोजोमल जीन है जो दो अलग अलग तरह की प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म का यूज करके यानी कि इसका एम आर एन ए तो ये एक ही है बट यहाँ से दो तरीके की प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी ये बनाती है ट्रा और ट्रा टू प्रोटीन ठीक है ये दोनों प्रोटीन मिल करके जब ट्रा और ट्रा टू दोनों प्रोटीन साथ में प्रेजेंट होंगी तब वो फीमेल एम आर एन ए यानी कि फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण करेंगी तो यानी कि इसके जो डबल सेक्स के एम आर एन ए से अगर सिर्फ एग्जॉन वन टू थ्री और फोर आ रहा है तो ये क्या है फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण करेंगे वहीं पर अगर ये जो फोर्थ वाला एग्जॉन है फोर्थ वाला एग्जॉन ऑबसेंट हो और उसके साथ फाइव और सिक्स ये एग्जॉन शामिल हो जाए वन टू थ्री के साथ तो मेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण होगा यानी कि जब ट्रा और ट्रा टू दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होंगी तो फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन बनेगी वहीं पर अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रा टू प्रोटीन प्रेजेंट है तो मेल डबल सेक्स प्रोटीन बनेगी डबल सेक्स जो फीमेल प्रोटीन होती है वो उन जीन को रिप्रेस यानी दबाने का काम करती हैं जो मेल का डेवलपमेंट करती हैं और अल्टीमेटली फीमेल स्पेसिफिक जीन का एक्टिवेशन स्टार्ट कराती हैं तो इस तरीके से डबल एक्स ड्रोसोफिला जो है वो फीमेल के अंदर डेवलप होती है वहीं पर जो डबल सेक्स मेल प्रोटीन होती हैं वो फीमेल ट्रेड्स यानी कि जो फीमेल लक्षण पैदा करने वाले जीन्स हैं उनको इनिबिट करने का काम करती हैं और मेल ट्रेड्स को प्रमोट करने का और मेल ट्रेड्स को प्रमोट करती हैं तो इस तरीके से जो एक्स वाई ड्रोसोफिला होते हैं वो मेल के अंदर डेवलप होते हैं तो ये समरी है कि किस तरीके से ये जीन्स आपस में को रिलेटेड हैं और मेल और फीमेल डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं तो अगर एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो वन है तो सेक्स लिथल जीन एक्टिवेट होगी वो जीन को एक्टिवेट करेगी इसके बाद डबल सेक्स डबल सेक्स आरएनए फीमेल की स्प्लाइसिंग होगी और डबल सेक्स फीमेल प्रोटीन का निर्माण होगा जो कि मेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन को रिप्रेस करके फीमेल का डेवलपमेंट कराएंगी वहीं पर अगर एक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम का रेशियो 0.5 है तो सेक्स लीथल और ट्रांसफॉर्मर ये दोनों जीन ऑफ होंगे वहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे और डबल सेक्स आरएनए मेल स्प्लाइज इसका निर्माण होगा उससे डबल सेक्स मेल प्रोटीन बनेगी जो कि फीमेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल जीन को दबाने का काम करेंगी और मेल का डेवलपमेंट कराएंगी तो ये ओवरऑल समरी है कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरीके से तय होता है आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा ये कई पार्ट में है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से कई क्वेश्चन आते हैं सी एस आई आर के अंदर तो इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा थैंक यू